फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुशांत रॉय SDS। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक प्रेस्टीज पॉपअप टोस्टर की अनबॉक्सिंग और इसका एक जबरदस्त रिव्यू दिखाने वाला हूँ। गाइस, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आइए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, ये है प्रेस्टीज का PPTPR पॉपअप टोस्टर। सो फ्रेंड, यूट्यूब में पहली बार इसकी रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 1795 MRP दिया गया है, जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन में 1300-1400 के बीच आप इजीली बाय कर सकते हैं। सो ये टोस्टर ग्लॉसी फिनिश प्लास्टिक से बना हुआ है, ये इसकी अंदर की लुक। नीचे यहाँ पे प्रेस्टीज का ब्रांडिंग, रेड कलर में ये टोस्टर बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ पे एक प्रेस हैंडल, और फ्रेंड नीचे देखिए यहाँ पे रेगुलेटर दिया गया है, आप इससे अपना जो टोस्ट है उसे ब्राउनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे तीन स्विच दिया गया है, डिफ्रॉस्ट, रीहीट एंड कैंसिल। और यहाँ पे एक 3-pin प्लग, उसके साथ एक वारंटी कार्ड कम मैनुअल बुक आपको यहाँ पे मिलेगा। सो फ्रेंड, इस टोस्टर की वोल्टेज है 230, और ये टोस्टर आपको 700 वाट में मिलेगा, और उसके साथ यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो खरीदने से पहले या खरीदने के बाद अगर इस टोस्टर को लेके आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसका सही आंसर आप लोगों को दूंगा। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो अभी टोस्टर को थोड़ा ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो ब्रेड स्लाइस लिया है, अभी देखिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं 3 या 4 के बीच आपकी जो रेगुलेटर है उसको रखता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे 3 स्विच दिया गया है, एक डिफ्रॉस्ट, एक रीहीट, एक कैंसिल। डिफ्रॉस्ट में क्या होगा, अगर आप लोग ब्रेड डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के आप टोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तब आपको डिफ्रॉस्ट ऑप्शन में करना है। उसके बाद जो है रीहीट, अगर आप लोग रीहीट करना चाहते तो आप रीहीट इसे कर सकते हैं। और कैंसिल बटन है, आप अपना टोस्ट को कैंसिल बटन प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे देखिए ये इतना ब्राउनी हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खाना पसंद करोगे। टोस्ट हो जाने के बाद टोस्टर के नीचे देखिए यहाँ पे एक ट्रे दिया गया है, इसे आप सिंपली पुल करके निकालिए। यहाँ पे जो आपका डस्ट रह गया है उसे आप क्लीन करके फिर से अपनी जगह पे बिठा दीजिए। सो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।